अरे बाबूगिनी, ये तो बहुत सुंदर है। धन्यवाद दीदी। शक्ति वो लड़की नहीं है, वो नागिन है। ए लड़की, पागल हो गई है क्या? ये क्या बना है? दुनिया गोल है और तेरा दिमाग भी। अब हमने क्या कर दिया? अरे घर में इतने दिनों से सांप का बवाल चल रहा है, आधे लोग सांप से डरे हुए हैं। तो कार्तिक का इतना बड़ा कांड हो गया, घर में सब सांप को बुलाने की कोशिश कर रहे और तू उन्हें ये सांप का डिजाइन बना दिया। तुझे और कोई डिजाइन आती नहीं है क्या? देखो ना शक्ति, सांपों से डरना क्यों बुआ जी? वो तो हमारे देव होते हैं। हमारी रक्षा करते हैं, हमें हमें आशीर्वाद देते हैं, धन धान्य करते हैं हमें। उनकी पूजा करने से तो सुख शांति मिलती है। महादेव की काशी में महादेव की नाक की तो पूजा करनी चाहिए। हमारे घर में नाग निकले हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है ना। आपको पता है इसका मतलब क्या है? कि भोलेनाथ की हमारे ऊपर कृपा है, हमारे इस घर पर उनकी नजर है। इसलिए मैं ये रंगोली बना रही हूँ ताकि वो हमारी रक्षा करें। बस कर, इस घर में ना ज्ञान देने वाले बहुत लोग हैं और अपनी रक्षा हम खुद कर सकते हैं। बेटा ऐसे पलवा हो आप, अब उससे इतने प्यार से बनाइए तो रहने दीजिए। लेकिन मोहिनी, अगली बार कुछ भी करने से पहले एक बार हमसे पूछ लेना। सच गए तो इसे देख के तो हम भी एक बार के लिए चौंक गए थे। केवल काशी में नहीं, पूरे देश में नागों की पूजा होती है। और होनी भी चाहिए। जिस देश में शिव भगवान की पूजा होती है ना, वहां उनकी नागों की पूजा कैसे ना। और नाग सिर्फ हमारे धर्म का हिस्सा नहीं होते, वो हमारी प्रकृति का हिस्सा भी होते हैं। और हर जीव जंतु की इज्जत करनी चाहिए और उनकी रक्षा करना भी हमारा ही फर्ज है। लेकिन हमारा फर्ज फिलहाल ये है कि हम अपने परिवार की रक्षा करें, दादी की रक्षा करें, कार्तिक की रक्षा करें। वो फिलहाल सांप के नाम से बहुत डरे हुए हैं और हम नहीं चाहते कि इस घर में ऐसा कुछ भी हो जिससे उनका डर बढ़े। जी दीदी। डॉक्टर
तो शिव दादी को घर लेकर ही आते होंगे। और ऐसा कोई और भी है इस घर में जिससे दादी फिलहाल बहुत डरी हुई है? कीर्तन, तुम प्लीज दादी के सामने मत आना। हम नहीं चाहते कि उन्हें किसी भी चीज से झटका लगे या शॉक लगे। और प्लीज कार्तिक के साथ जो हादसा कल हुआ है उसका जिक्र कोई नहीं करेगा दादी के सामने। हाँ ठीक कह रही है तो। हाँ चलो अब बाकी तैयारियां भी करनी। हाँ भैया चलिए चलो। जिस बात से मेरे नाम का दबदबा बढ़ेगा उसका जिक्र कैसे नहीं होगा। मैंने उस बुढ़िया पर बहुत बड़ा उपकार किया है, इसके पोते की जान बचाकर। तो ये बात तो उसे पता चलनी ही चाहिए ना। पीरा, अब तुम उस बुढ़िया का इंतजार करना। लगता कोयल जी वॉशरूम में। कल कोयल जी को सरप्राइज मिलेगा। कोयल जी ने पासवर्ड चेंज कर दिया क्या? ये खुल क्यों नहीं रहा? हाँ बदल दिया मैंने पासवर्ड। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी धर्म। बस खत्म हो गया प्यार। हमने तो सात फेरे लेते हुए कसम खाई थी कि एक दूसरे पे भरोसा करेंगे। भरोसा शादी की नींव होती है। तुमने हिला दी, उस नींव को हिला दी। कोयल जी आप ये क्या कह रहे हैं? यही देखना चाहते हो ना कि मेरा किसी के साथ अफेयर चल रहा है कि नहीं? नहीं चल रहा। शक करना बंद करो। नहीं कोयल जी हम ये नहीं कह रहे थे। मिस्टर पहलवान बुत, हमारी नींव कोई नहीं हिला सकता। चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम पर कभी शक नहीं करूंगी। और मुझे पता है तुम भी मुझ पर कभी शक नहीं कर सकते हो। वो हमने ना नया काम शुरू किया है, उसी सिलसिले में हमें अपने दोस्तों से बात करनी थी पर हमारे फोन में नेटवर्क आ नहीं रहा था तो हमने। हमारे बीच तो फुल नेटवर्क है ना, ये नेटवर्क कभी कम नहीं होना चाहिए। मेरा न्यू पासवर्ड 0507, तुम्हारा बर्थडे।
मेरे बहू और मेरे बेटे को किसी की नजर ना लगे। बस सोमनाथ जी करे तुम दोनों की जोड़ी ना ऐसे ही रबड़ी और जलेबी की तरह बनी रहे, एकदम मीठी मीठी हाई क्लास है ना। नजर तो लग चुकी है कोयल को, जो अब कभी उतरने वाली नहीं है। हम आते हैं माँ। ये रिमचिक इधर है। तुझे पता है आज ना ये मेरे साथ आई थी बाजार में सब्जी लेने। पता है जब तू मेरे साथ कभी कभी आती थी मार्केट में तो कैसे तुझे मतलब कभी कभी लोग ऐसे मिस्टेक से पहचान लेते थे। पर इसे ओहो पता है इसको देख के ना सब ऐसे फट से पहचान गए और ऐसे बोलते थे ए ये देख ये वो है ए क्या नाम है तेरा उसका वो कैसे कूल्स। हाँ कैसे कुछ कुछ तो, नहीं माँ कूल्स कूल वो ठंडा ठंडा। हाँ नाम ही ठंडा ठंडा रखा इसीलिए गर्मी बहुत लगती है इधर तुझे। सब सब पहचान जाते थे सब बोलते थे ये वो कैसे कूल कैसे कूल। खबर न तो कह दू इन सोट ये मनोरमा इतनी खुश हो गई से हुशियारी में चल रही थी मैं के मेरी बहू है ऐसी कूल्स तो होगी ना है। कोई कोई लोग तो ऐसे उसके साथ ऐसे ऐसे सेल्फी भी लेते थे। ओहो मनोरमा तो इतनी खुश हो गई ऐसे गर्व से तो मेरा सीना ऐसे वाह 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 हो गया। इंटरनेट की यही तो खासियत है मम्मी, जिनका नाम होता है उन्हें बदनाम होने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। बस एक बार धर्म भैया को बिजनेस की एड कोयल के अकाउंट पर डालने दो, आपके बहू का बिजनेस भी खत्म हो जाएगा और अकाउंट भी। चलिए दादी घर आ गए चलो। शिव हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा है, क्या हम हॉस्पिटल वापस जा सकते हैं? सब कुछ ठीक है दादी, और क्या हो गया आपको? आप अपने ही घर में जाने से मना कर रही हैं, क्या हुआ? आप इतनी डरी डरी से क्यों लग रही? वो शिव बात ये है कि देखो जब तुम छोटे थे ना तुम्हारे बचपन में तुम शिवपुर में। एक मिनट स्वीटहार्ट एक मिनट, आप आइए 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 आराम से आइए आराम से आइए आराम से आइए घर चलिए। तुम हमारी बात सुनो, जब तुम छोटे थे तो एक बार जंगल में मैंने दंगल कर दिया था दादी। मैं समझ गया, मैं आपकी सारी बातें सुन लूंगा प्रॉमिस, लेकिन आप पहले अंदर चलिए थोड़ी देर आराम कीजिए फिर सब कुछ सुनूंगा। चलिए पक्का सुनोगे ना? हाँ पक्का चलिए। ये तो नहीं बोलोगे कि ये सब अंधविश्वास है, हमारी बात पे विश्वास करोगे ना? हाँ प्रॉमिस करूंगा। क्या हुआ? चलो क्या हुआ दादी? शिव बेलपत्र का पौधा यहां कैसे उग गया?
कैसे हो गया ये? शिव, हम बता रहे हैं ये शुभ संकेत नहीं है, ये पौधा ऐसे ही कहीं नहीं उग जाता। दादी, अब तक मैं आपके पोते की तरह बात कर रहा था, लेकिन अब एक डॉक्टर की तरह बात कर रहा हूँ। चलिए घर चलिए। चलिए। शिव, तुम समझ नहीं रहे हो हमारी बात, ये अच्छा संकेत नहीं है, ऐसे बेल पत्र का। पता है दादी, अरे दादी, मॉनसून का सीजन चल रहा है, एक जमीन में से पौधा क्या हो गया, आपने इतनी टेंशन ले ली, कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है, वही तो तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये भोलेनाथ जी का पौधा है, इस तरह हर जगह कुक्कर मुत्ते की तरह नहीं उगता है, इसके उगने का कोई मतलब होता है, कुछ तो है। मैं बताता हूँ क्या है, फर्टिलाइज उपजाऊ धरती। दादी, बारिश के सीजन में एक पौधा उग गया है और आप इतनी टेंशन ले रहे हो। मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको क्या करना है, टाइम से अपनी दवाइयाँ लेनी है। ये टीवी पर जो शोज आते हैं ना, भूत वाले, नाग नागिन वाले, इन्हें आपको बिल्कुल नहीं देखना है। और मैं घर में भी सबको इंस्ट्रक्शंस देने वाला, वो लोग देखते हैं इसलिए शायद आप भी देख रहे हो, कोई भी इस घर में ये सब नहीं देखेगा, बिकॉज ये सब रियल लाइफ में नहीं होता है दादी, ये सिर्फ टीवी पर होता है, समझ गए आप? अभी आप चलिए, दवाई का भी टाइम हो गया, चलो चलो। छोटी है, हमें तो लगा था कि हम अपनी छोटी से आपको गुदगुदी करके हंसाएंगे, लेकिन हमने तो आपको डरा ही दिया। I'm sorry। मासी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है कि वो सांप घर पे वापस ना आ जाए। नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। हमें तो लग रहा है कि वो सांप ना आपसे डर गया होगा, आप उसके सामने कितने ब्रेव थे ना। अच्छा, तो स्नेक को पता चल गया मैं कितना ब्रेव था। हाँ, हमें तो लगता है कि वो अपने बाकी स्नेक फ्रेंड्स को जाके बता रहा होगा कि कश्यप निवास में ना एक बहुत ब्रेव बच्चा रहता है, वहां बिल्कुल मत जाना। लेकिन कार्तिक, दादी इतनी ब्रेव नहीं है ना, अभी उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है, सांप वाली बात को लेके वो बहुत ज्यादा डरी हुई है। ओ, मैं तो भगत दादी को घर आते ही बताने वाला था कि मैं कितना प्रेम हूँ। वो आ रही है ना? हाँ, डॉक्टर शिव ना उन्हें कभी भी लेकर आते होंगे, लेकिन अगर उन्हें ये बात पता चली तो शायद वो डर के वापस से हॉस्पिटल चले जाए। अभी उनकी तबीयत ठीक नहीं है ना, तो कहीं ये बात सुनकर उनकी हालत और ना बिगड़ जाए। तो जब वो ठीक हो जाएंगी तब भी मैं उनको बताऊंगा। गुड बॉय, चलो अब पढ़ लो। नागिन असलियत में भी होते हैं और कहानियों में भी। उस शिव शक्ति की कहानी में भी थे और इस शिव शक्ति की कहानी में भी हैं। उस शिव शक्ति की तो वो पूजा करते थे, पर देखो इस शिव शक्ति के साथ क्या करते हैं। सुंदरी दीदी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? नॉक कर देती ना, पता हम कितना डर गए थे। हमें तो आजकल 24 घंटे इस घर में डर लगा रहता है,
कि पता नहीं वो सांप कहाँ से आ जाए। हे शिव, इस घर की रक्षा करना बस। सुंदरी दीदी प्लीज प्लीज ये सब मत बोलिए, और दादी के सामने तो बिल्कुल भी नहीं। बस आती ही होंगी, आने नहीं वाली आ गई हैं। हम बस यही बताने तो आए थे आपको। चलिए हाँ। जाओ शक्ति, तुम वहाँ दादी का ख्याल रखो और मैं यहाँ दादी के पोते का ख्याल रखती हूँ।